नमस्कार दर्शकों, एक बार आपके साथ फिर जुड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट जलसा। आज स्पेशल डिबेट होगी पंत वर्सेस संजू। तो आखिर संजू को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? संजू की गलती क्या, वो बता दे हमको। बीसीसीआई क्यों कर रहा है बीसीसीआई ऐसा? क्या है ये? आप देखिए, दुनिया का इकलौता क्रिकेट बोर्ड है जिसने 2 साल में 8 कैप्टन बदल दिए। क्या आपने आपको आपके अपने क्रिकेट पर विश्वास नहीं है? क्या आपने कैप्टनों पर विश्वास नहीं है? ऐसे टीम इंडिया बनाएंगे आप? अरे जब देखिए, धोनी गांगुली कप्तान हुआ करते थे, 10-10 साल के कप्तान नहीं बदले जाते थे जी। देखिए, उस वो दौर हुआ करता था जिस उस टाइम पे सौरभ गांगुली टीम बनाया करते थे। टीम जीतती थी, जूझते थे पर हारते नहीं थे। इनको खिलाड़ी अपना आइडल मानते थे जी। बिल्कुल, अजहरुद्दीन देखिए है ना जी, सौरभ गांगुली देखिए, गावस्कर जी देखिए, एमएस देखिए, एमएस देखिए, ये इंडिया को प्रेजेंट करते थे। आज का क्रिकेट कहां जा रहा है? आज का क्रिकेट आईपीएल आईपीएल मानते लोग इनको। बिल्कुल, आप फ्रेंचाइजी कैप की वैल्यू बढ़ाने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं। देखिए, आप इंडिया के लिए खेलते हैं तो वर्कलोड होता है आपको। बिल्कुल, और आईपीएल में 2 महीने तक 14 मैच खेल लेते हैं, फाइनल में 17 मैच। मैं तो कहता हूं कि ये आईपीएल सारा सट्टाबाजी चल रहा है जी। आप जी बिल्कुल, क्योंकि ये पैसों के लिए खेलते हैं। पैसों के लिए कैसे के लिए खेलते हैं? सट्टाबाजी मतलब फिक्सिंग नहीं, सट्टाबाजी मतलब के पैसों के लिए, मतलब फीस इतनी मिल जाए। फिर आप आईपीएल में आप अच्छा खासा प्रदर्शन करते हैं, ऐसे आईसीसी 20 करोड़ में जी। बिल्कुल, आईसीसी इवेंट आते हैं तब आपकी परफॉर्मेंस कहां जाती है? आपको देखना चाहिए। ये शेम ऑन बीसीसीआई, ये आपकी सिलेक्टर्स की गलती है। जिसको लेना चाहिए आप उनको नहीं लेते हो, ऐसे अनुभवी बल्लेबाज को आप बिठा के रखते हो। शेम ऑन बीसीसीआई। देखिए, इस साल पंत ने खेले हैं 25 मैच। बिल्कुल, उसमें उनके रन है, T20 क्रिकेट की बात कर रहे हैं, वनडे और टेस्ट में उनकी जगह सेफ है। तो देखिए, उन्होंने 25 मैचों में इस साल रन बनाए 364, जबकि इतने ही मैचों में सैमसन ने 6 मैच खेले, उसमें 180 के आसपास रन बनाए और स्ट्राइक रेट 152 के करीब है जी। बिल्कुल, तो सैमसन को अगर मौके दिए जाते तो 25 मैच में ये कम से कम 360-700 रन बनाते हैं जी। बिल्कुल, आपको वर्ल्ड कप अपने दम पे जिता देते हैं जी। जी बिल्कुल, विराट और सूर्या का साथ तो देते हैं मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर में। तो पंत को आखिर कब तक मौके, कब तक झेला जाएगा पंत को, कब तक झेला जाएगा ऋषभ पंत को, कब तक जी? मेरा कहना है कि संजू सैमसन को वापस लाइए, क्योंकि अगर उनकी उनके टैलेंट को आप नजरअंदाज करोगे तो बाकी जितने हमारा युवा वर्ग है और भी क्रिकेटर्स तैयार, और उन पे क्या जाएगा? देखिए, ये सैमसन का करियर खत्म कर दी बीसीसीआई। बिल्कुल, देखिए उनको इंडिया के साथ जोड़ के रखती है, बाहर पानी बिठाने के लिए लेते हैं, और ये घरेलू क्रिकेट भी नहीं खेल पा रहे, इस वजह से सिर्फ बैठे रहते हैं कुर्सी पे जी। तो बीसीसीआई ध्यान दे, अगर उनको प्लेइंग 11 में मौका नहीं दे रहे आप तो वापिस भेजे घर पे, घरेलू क्रिकेट खेले। देखिए फॉर्म में ले, देखिए ये लोग है ना पैसों के लिए खेलते हैं। बिल्कुल जी, आप अपने खिलाड़ियों से ड्रीम 11 पे टीम बनवाइए जी। मैं तो यही कह रहा हूं, रोहित शर्मा आप ड्रीम 11 पे टीम बनाइए, आपसे ये आईसीसी इवेंट जीता नहीं जाएगा, आपसे ये वर्ल्ड कप जीता नहीं जाएगा जी। आप इसी लायक हैं, आप आईपीएल वर्ल्ड कप जीता सकते थे, इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास। विदेशों में जाकर द्विपक्षीय सीरीज जीत रहे हो, जब आईसीसी इवेंट आ रहा था आप इस तरीके से हार जा रहे हो। 2012 के बाद में अब तक जीते भी आईसीसी इवेंट हुए आपने, जीते क्या? मुझे तो धोनी की याद आ रही है कि आपको इस धोनी को कमबैक करना चाहिए जी। कोच उनको ही बना देना चाहिए बिल्कुल, क्रिकेट का, और कप्तान पांड्या को परमानेंट कर देना चाहिए। अगर इसी तरीके से क्रिकेट चल रहा है, इसी तरीके से अगर सिलेक्टर्स खिलाड़ी को चुनेंगे तो भाई ये ऐसे टीम बनने वाली नहीं है। नहीं, अगर आप ऐसे कैप्टन बनाओगे तो जो कैप्टन जिन खिलाड़ियों को लेना चाहते हैं उन्हीं खिलाड़ियों को ले पाएंगे, जो टैलेंट है वो तो नजरअंदाज हो जाएगा। देखिए, आपके इंडिया में 2 ही बैट्समैन है आपकी अटैक करने वाले, एक तो सूर्या और एक सैमसन। तो सूर्या को भी 30 साल के बाद इन्होंने मौका दिया है, बेचारे 5 साल वेस्ट कर दिए उनके बीसीसीआई ने, और ये फालतू खिलाड़ियों को मौका दिए जा रहे। अरे आप जल को बोलते हैं कि बैटिंग नहीं हो पा रही, इस वजह से बॉलिंग में उनको मैच में नहीं मिला जा रहा। आपने कभी रोहित शर्मा, के राहुल इनसे पूछा है पंत से इनके, कि आप बैटिंग बॉलिंग नहीं करते इस वजह से आपको टीम में नहीं रखेंगे जी? बिल्कुल, ये दोगला है बीसीसीआई का, बीसीसीआई का दोगलापन है, दोगलाबाज है बीसीसीआई। बिल्कुल, ये अपने खिलाड़ियों को बेक करती है और उनको ही मौका देती है, नाम आज के लिए एक दो नए डेब्यू करवा देते हैं, जिसे उमरान मलिक क्या गलती है जी। उनको भी मौका मिलना चाहिए था आज, उनको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए था।
अगर ऐसा ही अगर चलता रहेगा तो ऐसे इतिहास नहीं बनने वाला क्रिकेटर्स का। आप लंबा इतिहास देखिए क्रिकेट का, लोग जीतने के लिए क्या क्या करते थे, और आप इस तरीके से कर रहे हो तो मुझे काफी खेद है। देखिए वो ड्रीम इलेवन के एट आते जब देखिए ऐसे छक्के मारते, ऐसे कैच पकड़ते, ड्राइवर मारते, बिल्कुल हकीकत में तो आपसे झुका नहीं जाता है। बोल आपके ये राहुल के कट हो गए ना अंदर, गेंद अंदर राहुल बार। ये लोग सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं, ये आईपीएल में पैसों से मतलब बाजार की जरूरत मिल जाए। ये लोग सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं, टीम इंडिया को बदनाम करते हैं, नाम करते हैं। चंद 25 करोड़ रुपए अगर ये पीठ के पीछे कितना पैसे लेते होंगे। आप रोहित शर्मा ड्रीम इलेवन पर टीम ही बनाई है जी, ये आपसे वर्ल्ड कप जीतने वाला नहीं है। रोहित शर्मा बहुत सेवा कर ली, आप टेस्ट और वनडे में कंटिन्यू करें, टी20 में आप युवा को मौका दे जी, पांड्या को कप्तानी दे, आप ड्रीम इलेवन पर टीम बनाते रहे, आईपीएल में आपको देख के हम एंजॉय मार लेंगे जी। सक्षम जी आपने देखा है क्या, बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने आज तक इतने सारे एक दो साल में 8 कैप्टन बदल दिए हो जी? नहीं कभी नहीं। तो ये क्या हो रहा है, देखिए क्या कर रही है बीसीसीआई, अपने चयनित खिलाड़ी नाराज नहीं हो जाए इसलिए उनको बार बार मौका दे रही है। 4 टीम में 4 कैप्टन, पिछले साल अक्टूबर से लेके अभी अक्टूबर पूरा भी नहीं हुआ, इस दफा बीसीसीआई ने 9 कैप्टन बदल दिए। एक टीम में आपके 9-9, 5-5 कप्तान खेलेंगे तो टीम कहां से जीतेगी? बिल्कुल, वो समझेगा मैं कैप्टन नहीं तो कैप्टन रोहित की सुनेगा कौन जी? ये बीसीसीआई वाले किसी भी रमेश सुरेश को बिठा देते हैं वो बाहर गए, बात करें ये नाम मात्र के लिए सेलेक्टर के नाम की पर्ची काट देते। ये देखिए इस वर्ल्ड कप में मैं कतई नहीं मानूंगा कि टीम इंडिया की टीम थी, ये इनके दोस्तों की टीम थी, भाई तू भी आ जा मेरा आखिरी वर्ल्ड कप, इसको भी ले जा उसको भी ले जा। आप 2 साल से वोशी को तैयार कर रहे थे, कहाँ गए वोशी? बिल्कुल दीपक चार कहाँ गए? पिछले 4 साल से आप परफॉर्मेंस देखिए उनका जी, बिल्कुल। तो देखिए मुझे लगता है कि ऐसे क्रिकेट नहीं बनने वाला है। आप पिछले इतिहास को देखिए किस तरीके से क्रिकेट खेला जाता था इंडियन बोर्ड के द्वारा, तब मीडिया भी खुल के बोलता था ताकि टीम अपने आप पे प्रेशर लेती थी और अच्छा परफॉर्म करती थी। आजकल तो इन्होंने जर्नलिस्ट को भी धमका के चुप किया जा रहा है, बोलने दिया जा रहा है, जर्नलिस्ट आपको इंटरव्यू देंगे, जर्नलिस्ट चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि ये बात इंडिया की है, टीम की आवाज आएगी, इंडिया पे बात आएगी तो हम चुप नहीं रहेंगे। बिल्कुल, आप आईपीएल में तो कोई वर्कलोड नहीं होता है आपका, और इंडिया के लिए आप 5 मैच नहीं खेल पाते, ये अपनी फ्रेंचाइजी वैल्यू बढ़ाने के लिए, कैप वैल्यू बढ़ाने के लिए इस तरह से करता है, इनको आइडल नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। मैं तो विराट और इसका को छोड़ के ये जो वर्ल्ड कप में खेली है किसी को आइडल नहीं मानता हूँ, ये आईपीएल आइडल है। सौरभ गांगुली जी, एमएस एमएस धोनी, सुनील गावस्कर, अजरुद्दीन, इस तरीके से खिलाड़ी हुआ करते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिया को, आप तो वर्कआउट कर रहे हैं, बाहर बैठ जाए। टीम इंडिया के नाम पे धब्बा है खिलाड़ी, शेम ऑन बीसीसीआई, खेलने से मतलब है, शेम ऑन बीसीसीआई। आपने संजू सैमसन को नहीं लिया, संजू सैमसन को बिल्कुल लेना चाहिए था, आपने उनके टैलेंट को नजरअंदाज किया है जी। संजू की जगह बनती थी, देखिए वो आईपीएल में किस पेस पे खेलते हैं जी। इस बार भी आपके खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप में यही प्रदर्शन था कि 20-30 रन बना के अपनी जगह सेव कर दे, मैंने रन बनाए हूं, टीम के लिए नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहे विराट और स्काई को छोड़ के। राहुल का परफॉर्मेंस देखिए आप, क्या खेले पूरे वर्ल्ड कप में। राहुल से पूछा जाता है बड़ा मैच है आप क्या करेंगे आज, तो बड़ा मैच है तो मुझसे ना हो पाएगा। अरे आईपीएल नहीं हो पाएगा तो फिर किससे हो पाएगा? आईपीएल में तो आप बड़ी ऑरेंज के, आप किसके नाम का बिल फाड़ रहे हैं? केएल राहुल, रोहित शर्मा के नाम का, वो बेक कर रहे इतना तो इनको भाई, इनकी जगह आप सैमसन को लाते विकेट कीपर हो जाता, ऐसे आपको नीचे अतिरिक्त ऑलराउंडर बॉलर खेलने के लिए रख सकते हैं। अगर ऐसे खिलाड़ियों को लिया जाएगा तो आप कतई डिजर्व नहीं करते टीम इंडिया। मैं आज लिख के दे रहा हूँ 2023 आईपीएल के ऑरेंज कैप केएल राहुल ले जाएंगे, बिल्कुल पैसों के लिए खेल रहे ना वही ले जाएंगे। चेन्नई क्रिकेट वहां पे वर्कलोड नहीं आता आपका, आप यहाँ जिम्बाब्वे बांग्लादेश के खिलाफ रन मार देंगे, पाकिस्तान अफ्रीका इंग्लैंड के खिलाफ तो आपका गेंद अंदर राहुल बार जी, बिल्कुल। रोहित के क्या है भाई, आप टाइमिंग से खेलो ना वक्त लेके।